उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव यादव समाज के हीरो हैं, ऐसा कहना है वीआईपी सुप्रीमो मुकेश साहनी का। जी हां, मुकेश साहनी अपनी संकल्प यात्रा के तहत मधेपुरा पहुंचे, जहां पर लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा, लोगों का जमावड़ा उमड़ पड़ा, लोग उनके स्वागत के लिए आगे पीछे दिखे। आपको बता दें, लगातार मुकेश साहनी इन दिनों लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे तेजस्वी प्रसाद यादव की जमकर तारीफ जमकर सराहना करते दिखे हैं। आपको बता दें, उन्होंने कहा है कि जो तेजस्वी प्रसाद यादव हैं वो यादव समाज के हीरो हैं। उन्होंने लालू प्रसाद यादव की जमकर तारीफ की है, उनके बेटे की जमकर तारीफ की है। आपको बता दें, मुकेश साहनी बहुत कुछ कहते दिखे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं मुकेश साहनी, वीआईपी सुप्रीमो मुकेश साहनी, आप सुनिए। आपके हक अधिकार के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। इसलिए साथियों, अपना वोट अपने दल के साथ खड़ा होइए, अपने लोगों के साथ खड़ा होइए। आपका समाज में जो आपके लिए मजबूती से लड़ाई लड़ रहा, उनके साथ खड़ा होइए। अगर बिहार में मुकेश सहनी से बड़ा कोई मजबूती से इस देश में अगर लड़ाई लड़ता है बिहार में, तो उनके साथ खड़ा हो जाइए। अगर कोई नहीं है तो आपके पास भी ऑप्शन नहीं है मुकेश सहनी के अलावा, और मेरे पास भी आपके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। आज बिहार में मुकेश सहनी को नेता लोगों ने माना, निषाद का बेटा माना, तब दुनिया आज मान रहा है नेता। अगर निषाद नहीं मानता तो दुनिया कोई नहीं मानता कि मुकेश सहनी नेता है। जब घर में अपने बेटा को हीरो मानिएगा तो दुनिया हीरो मानेगा, अगर घर में हीरो नहीं मानिएगा तो दुनिया उसको जीरो मानेगा, और जब जीरो मानेगा तो आपके लिए कोई भी काम का नहीं रहेगा। और जब वो दुनिया में हीरो रहेगा तो आपके भी चेहरे पे मुस्कान होगा, आपका भी कॉलर टाइट होगा कि मेरा अपना हीरो है। जैसे हमारा यादव भाई कहते होंगे, अरे मेरा अपना डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव है, और जहां पे भी जाता है थाना पुलिस में उसको कुर्सी उठना पड़ता है दरोगा साहब को, क्योंकि उनको मालूम है ये तेजस्वी प्रसाद यादव जी का आदमी है। और आपके लिए, आपको तो वो अंदर आने के लिए भी नहीं देता होगा, क्योंकि हमको पता है ना, हम तो पूरा देखे, हम सरकार में रह चुके हैं, हमने तो कुर्सी को लात मार दिया कि जो कुर्सी से ढंग से काम नहीं कर सकते ऐसे कुर्सी नहीं चाहिए। जब हमारे पास 10% वोट है तो हम एक नंबर की कुर्सी के लिए लड़ाई लड़ेंगे, आज न तो कल हम एक नंबर का कुर्सी छीनेंगे। साथियों, एक नंबर छीनेंगे। बिहार में सब जात मुख्यमंत्री बन गया, मुसहरो मर गया, यादव जी बन गए, कुशवाहा जी कोई से बन गए, नीतीश जी, और बहुत सारी जाति बन गए पहले से, पंडित जी बन गए। इतना बड़ा आबादी होने के बाद बिहार में 36% हमारे पास अति पिछड़ा का वोट रहने के बाद भी, 63% ओबीसी का वोट रहने के बावजूद भी, आज निषाद का बेटा क्यों नहीं बना? क्योंकि कोई संघर्ष नहीं किया। आज तक एक टिकट के पीछे बवाने लगता था कि कैसे एक टिकट मिल जाए और विधायक बन के जिंदगी जी ले। लेकिन आपको पता ही होगा कि बंबई जाके संघर्ष किए और वहां से आए कि नहीं, बड़ी लड़ाई लड़ना है। जब हम मंत्री भी बने, आप लोग पेपर में देखे होंगे, जितना भी मंत्री है सबसे धनिक मंत्री मुकेश सहनी है। कोई हम मंत्री बनने के बाद नहीं बने थे, हम पहले से बने थे। और जब आप लोग देखते होंगे तो आपको भी गर्व होता होगा कि देखो, मल्ला का बेटा बिहार में मंत्री बना, सबसे अमीर मंत्री है, तो खुशी होता होगा। तो ये साथियों, संघर्ष बदौलत में यहां तक पहुंचा हूं। तो क्या आप लोग लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है? देखिए, आप लोग तो हमेशा पहले से लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप लोग सोते भी बहुत ज्यादा है। ठीक है, अभी हमें कल पता चला कि कार्यक्रम है तो बहुत सारे साथी स्पेशल सहयोग करने लगे, हमारे लड्डू जी है, पंकज जी है, तमाम सभी लोग ने कहा। हम लोग कहे कि भाई कुछ टेंट फेंट का खर्चा हमारे तरफ से ले लीजिए, करिए, तो आप लोगों ने कहा भाई हमको नहीं चाहिए, हम अपने हमारे गांव बहुत सक्षम है, आप आ रहे हैं तो आपके लिए हम स्वागत करने के लिए करेंगे। तो खैर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि ऐसा आप लोगों का विचार है और इतना अपने नेता, अपने भाई, अपने बेटा के संघर्ष करने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और अब मेरा तो यही है कि जो मेरा है, मेरा तो एक ही सोच है, जो मेरा है वो आपका है, और जो आपका है वो मैं मानता हूं कि मेरा है। और मेरे पास शरीर में जब तक ताकत है, ये अंतिम सांस तक आपके लिए हर अधिकार के लिए लड़ाई लड़ेंगे, कभी आपका सर झुकने नहीं देंगे। साथियों, कभी सर नहीं झुकने देंगे, लेकिन इसके लिए आपको भी मजबूती से खड़ा होना पड़ेगा। जो काम 77 साल में नहीं हुआ, वो काम हमने 10 सालों में किया, और आने वाला समय में 10 साल के अंदर में बिहार में निषाद का बेटा को बिहार में मुख्यमंत्री बनाए, ऐसे हम सभी को संकल्प लेना है और लेंगे, होगा। सिर्फ जरूरी है मजबूती से साथ रहने के लिए। तो इसके लिए, जब अगर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है, तो संकल्प लेना पड़ेगा कि हम एक रोटी कम खाएंगे,
हम अपने बच्चे को पढ़ाएंगे लिखाएंगे। हमको जानकारी कहीं मिला कि मुकेश सहनी संकल्प दिला रहा वोट ले लेगा। अरे भाई, वोट लेने के लिए नहीं आए, वोट के लिए समझाने के लिए आए। वोट जब गिराइएगा उस समय में कोई आपके लवा अगल बगल में रहेगा नहीं रहेगा। अपने दिल पे हाथ दीजिएगा और अपने बच्चे के बारे में सोचिएगा, जो आपको उचित लगेगा वहीं पे वोट गिराइएगा साथियों, वहीं पे गिराइएगा। लेकिन जब दिल पे हाथ दीजिएगा, बच्चे के बारे में सोचिएगा, तो पहला नजर अगर कोई नजर आएगा तो वो नजर आएगा मुकेश सहनी, क्योंकि यही आपका मसीहा आपके लिए लड़ाई लड़ेगा। और फिर अपना निर्णय लीजिएगा, हम वोट किसको देना है इसके लिए संकल्प नहीं करा रहे, हम संकल्प करा रहे हैं दिल्ली वाले को बताने के लिए कि दिल्ली वाला आप देख लो, बिहार में निषाद का बेटा माता बहन सभी लोगों ने हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प ले लिया है कि हम अपना वोट को नहीं बेचेंगे। ये गलत फहमी दूर कर लो कि तुम चाहोगे कि 200 रुपया में हम वोट बेच लेंगे, खरीद लेंगे, ये कभी नहीं होगा। अब बिहार में निषाद का बेटा जा चुका है, अभी तकरीबन 40-45 लाख निषाद परिवार यूपी बिहार झारखंड में हाथ में गंगा जल लेके संकल्प ले लिया है, और ऐसा संकल्प ले लिया है कि उनको कोई अगर 10,000 रुपया भी देंगे तो अपना वोट नहीं बेचेगा। मुझे पूरा विश्वास है निषाद पे, क्योंकि हमें पता है कि किसे संघर्ष कर रहे हैं साथियों। इसलिए संकल्प लेना है, और जैसे कोरोना काल में वैक्सीन बनाया वैसे इस बार हम भी वैक्सीन बनाए हैं, और वैक्सीन का नाम है गंगा जल। वो जितना वैक्सीन लगाइएगा यहाँ, और मोदी जी को चुभेगा दिल्ली में, उनका खुशी हिलेगा दिल्ली में, और जब हिलेगा तब वो भी मान लेंगे, और 24 से पहले निशान को आरक्षण। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर यूकेजी के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के यूट्यूब चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।